और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने, महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे तीन पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं, इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक थी वो हमने आगे कर ली। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, उस पर निर्भर करता है कि कौन कहां जीतेगा। और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने, महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे तीन पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं, इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक थी वो हमने आगे कर ली। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, उस पर निर्भर करता है कि कौन कहां जीतेगा। और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने, महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे तीन पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं, इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक थी वो हमने आगे कर ली। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, उस पर निर्भर करता है कि कौन कहां जीतेगा।